छी छी छी, मेरी गाड़ी को कितना गंदा कर दिया है तुमने। उतारो अपनी शर्ट और साफ करो इसे। मैंने कहा उतारो अपनी शर्ट और इसे साफ करो। एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी शर्ट लगने से तो मेरी गाड़ी और गंदी हो जाएगी। सुनो, एक बाल्टी पानी और कपड़ा लेकर आओ गाड़ी साफ करने के। जाओ जल्दी। अगर 5 मिनट के अंदर तुमने गाड़ी साफ नहीं की तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आहान, मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है लंदन से, उसे लेने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना है, चलो कार निकालो। मम्मी जी ने कार यूज करने के लिए मना किया है। क्या? मुझे नहीं पता तुम कैसे मैनेज करोगे, कहीं से भी मैनेज करो, चाहे भीख मांगे क्यों ना लेके आओ, पर मैं एयरपोर्ट कार में ही जाऊंगी। मैं कुछ करता हूँ। आहान के पास सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन शनाय के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आहान ने शनाय के लिए टैक्सी बुक की। आखिर शनाय की कौन सी दोस्त आ रही थी उससे मिलने, जिसके लिए वो इतनी एक्साइटेड थी? ओटीपी लिखी हुई है। क्या आहान उसकी दोस्त को जानता था? ए भाई साहब, सॉरी सर। पॉकेट एफएम पे सीक्रेट अमीरजादा की कहानी सुन रहा था, बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, ओटीपी लिखिए, 5522। ओके सर। शनाया, कौन सी फ्रेंड आ रही है तुम्हारी? रूपल आ रही है। रूपल? वो अजीब सी लड़की, वो क्यों आ रही है? आहान के ऐसे वियर्ड रिएक्शन को देखकर शनाया ने उससे कहा, आहान ये क्या बोल रहे हो तुम? अजीब लड़की, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और 3 सालों के बाद वो वापस आ रही है, मैं तो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो उसकी सांस मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया की बचपन की इकलौती दोस्त थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। एकदम से आहान को उसके सुहाग रात वाला दिन याद आ गया। उसके ससुर शेखर गिल ने बहुत ही खुशी से सुहाग रात की रूम को सजाया था, और शनाया का रूम तरह तरह के फूल और सेंटेड कैंडल से सजाया हुआ था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल हाथ में कैची लेकर उस रूम में आ गई, और उसने सारी डेकोरेशन को इस तरह काट डाला जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल बेरहम कसाई थी। गुस्से में उसने वेडिंग रिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रूपल यहां तक ही नहीं रुकी, उसकी बेस्ट फ्रेंड शनाया की शादी एक गरीब नकारा आहान से हुई थी, और यही सोच सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद उसने जो आहान से कहा वो सुनकर आहान के होश उड़ गए। ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है तुम्हारे लिए। अगर तुमने शनाया को थोड़ा सा भी परेशान किया तो मैं तुम्हें डांस क्लब में नचवाऊंगी। And that's my promise. तुम्हें पता होगा ना कि डांस क्लब में क्या क्या होता है? So don't you even dare to hurt Shanaya. आहान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था।
सुहागरात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने अहान को बहुत तंग किया था। अहान की बेइज्जती करने का रूपल कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। आंटी, अगर आपको दो खून माफ होंगे तो आप किसका खून करेंगे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने अपनी लिस्ट पहले से ही बना रखी। अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं दोनों बार इस अहान को ही मारूंगी। दिस इज हाउ मच आई हेट यू। Same here. वो तो अहान की जान तब छूटी जब शादी के एक महीने के बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। लेकिन आज रूपल वापस आ रही है जिसकी वजह से अहान के दिल की धड़कन तेज हो रही है। शनाय के चेहरे पे रूपल से मिलने की एक्साइटमेंट देखकर अहान ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। अब जबकि रूपल शनाय की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शनाय को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। रूपल, हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड एंड कांग्रेचुलेशंस। सुना है कि तुम्हें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मिला है। यस, और उसमें अहान का हाथ है। अहान का हाथ है? सीरियसली शनाया, तुम मजाक कर रही हो राइट? क्योंकि बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक में चेक जमा करने की नहीं। रूपल, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अहान से पूछो। इससे पहले कि अहान इस टॉपिक पर कुछ कह पाता, रूपल ने एग्जैजरेट करते हुए कहा, ओ तो ये है अहान। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मैं इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। शनाय से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और अहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती तो अहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। रूपल, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना, अब चलो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते। हाँ यार, बहुत भूख लग रही है। एक तुम ही हो जिसे मेरी फिक्र है। पता है बाहर का खाना खा खा कर ना मेरी क्या हालत हो गई थी। इंडिया आने का सबसे बड़ा रीजन ना यहाँ का लजीज खाना था। तो हम चलते हैं और कुछ मसालेदार खाते हैं। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाके मेरा बैग उठाओ। क्या तुम चाहते हो कि शनाया मेरा भारी बैग उठाए? रूपल, चलो चलो जाओ। I missed you so much. Me too. अच्छा शनाया, जब तुम्हें अहान पसंद नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? मैं तुम्हें ना अच्छे से अच्छे खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ जो बहुत रहीस है, रिच है और उनका खुद का बिजनेस है। एंड ये अहान से ना 100 गुना बेहतर है। एंड यू विल बी वेरी 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 रिच। आई एम टेलिंग यू। प्लीज जरा चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या बकवास कर रही हूँ? मैं अहान को नहीं छोड़ूंगी, कम से कम तब तक तो नहीं छोड़ूंगी जब तक वो मुझे खुद नहीं छोड़ देता, समझी? चलो अब। रूपल कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शनाया एक गरीब नकारा पति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। क्या सच में उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के पीछे अहान का हाथ था? मगर ऐसा कैसे पॉसिबल था? चलो शनाया, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? रूपल, तुम्हें पता तो है मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। अहान, तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास भी कार नहीं है? मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता।
आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक कार भी नहीं थी। 2% के घर जमाई, मैं जानती हूँ कि तुम कार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन शनाया जैसी खानदानी और अमीर लड़की के घर में घर जमाई बनकर जरूर रह सकते हो। रूपल, जस्ट स्टॉप इट शनाया। याद है ना तुम्हें सुहागरात वाली रात, मेरी धमकी? अब तो लगता है कि तुम्हें डांस क्लब में नचवाना ही पड़ेगा। वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट रॉयल प्राइड में थे। रुको, मैं और शनाया अंदर जा रहे हैं, तुम सामान लेके पीछे के रास्ते से आ जाना। आहान को रूपल पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती तो शायद आहान उसे मुंह तोड़ जवाब देता। रॉयल प्राइड रेस्टोरेंट की हर चीज इंडिया की रिच हिस्ट्री को डिफाइन कर रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? हेलो, एक्चुअली हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए थी, सो अवेलेबल है आपके पास? हम 3 लोग हैं, तो कोई टेबल भी चलेगी। वो ये सोचकर ही घिन से भरे जा रही थी कि उसे आहान जैसे गरीब नाकारा के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना होगा। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने जवाब दिया। एक्सक्यूज मी मैम, गुड आफ्टरनून, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए। माफ कीजिएगा मैम, लेकिन फिलहाल हमारे पास ना ही कोई प्राइवेट डाइनिंग अवेलेबल है और ना ही कोई टेबल। कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। आई एम सो सॉरी मैम, थैंक यू। अरे आहान सर, आप? सर आप ये सामान उठा कर ला रहे? सर आपने मुझे कॉल कर दिया होता, मैं खुद आकर उठा लेता। मैनेजर साहब, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारा नौकर है और ये मेरा सामान लेकर आया है। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आहान सर को मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? इन्हीं की वजह से तो हमारा ग्रुप ऑफ होटल आज इतना बड़ा बना है। ऐसे आप लोगों को प्राइवेट डाइनिंग चाहिए था ना मैम? हाँ, हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए था, लेकिन आपने कहा ना कि अवेलेबल नहीं है। ऐसी बात कर रहे हैं मैम, आप आहान सर के साथ हैं। प्राइवेट डाइनिंग तो क्या, यहाँ का वैली फेसिंग, आपको लग्जरी सूट भी मिल जाएगा। आप बस सिलेक्ट कीजिए मैम। आहान सर आइए। आखिर क्या है ये माजरा? कौन है ये आहान? शनाया आहान का बदला हुआ अंदाज देखकर दंग रह गई। रूपल पहली बार आहान का ये रूप देख रही थी। क्या शनाया के पापा को उसकी सच्चाई पता थी? क्या होगा जब आहान के ससुराल वालों को आहान की सच्चाई पता चलेगी? इंस्टॉल कीजिए पॉकेट एफएम और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।